और सबसे पहले जाना चाहूंगी ये कोई तो रीजन होता है ये क्या नहीं सोचते हो कि चलो फोटो शूट करवा रहे थे तो क्या है वो एग्जैक्टली? एक्चुअली रीजन होता है और एक्टर के लिए तो बहुत बड़ा रीजन होता है. एक तो ये लुक मेरा जो अभी ये लुक है पूरा बालों का हो या फिर मेरा बियर्ड का, ये मेरा है ना ड्रीम लुक है क्योंकि पहले कभी ये लुक रख ही नहीं पाता था मैं, बड़े बाल बियर्ड, क्योंकि टीवी कमर्शियल पहले करता था काफ़ी मैं और पर्टिकुलर एक बॉय नेक्स्ट डोर की जो मेरा कैरेक्टर है वो फॉलो करना पड़ता था मेरे को सो दैट मुझे काम मिले ज़्यादा. लेकिन जो हीरोइज़म मुझे बड़े बालों में फील होता है ना वो मुझे कहीं और नहीं होता. तो अभी ये शो के लकीली ये शो में मेरा लुक ऐसा ही है. तो फिर मुझे काफ़ी टाइम से जब से शो का स्टार्ट हुआ तो मेरे को फोटोशूट करवाना था सो दैट यू नो ताकि अपने हिसाब से मैं कॉस्ट्यूम कलेक्शन करके और उसके बाद फोलियो शूट कराऊँ और दैट यू नो आप चाहते हो कि अपना बेस्ट लुक आप दिखाओ अपने फैंस को या फिर और भी यू नो फॉर वर्क ऑल्सो. तो इसीलिए मैंने सोचा कि प्रशांत मेरा वन ऑफ दी फेवरेट फोटोग्राफर है, प्रशांत के साथ बहुत काम किया है तो यही एक रीज़न है कि मेरे को ये लुक में ये फ़ोटोज़ क्लिक करवाने थे और थोड़ा और हीरोइज़म जैसे कि रॉकी का एनीवेज बहुत ही अच्छा एक एटीट्यूड है जो हम लोगों ने कैरी किया शो में हमारे, तो उससे थोड़ा सा हटके जैसे कि हम लोगों ने ये कलर्स चूज़ किए हैं सो थोड़ा बॉयश लुक भी दिया है हम लोगों ने, थोड़ा मैच्योर लुक भी दिया है, थोड़ा क्लासी लुक भी दिया है. तो ये सब वो वेरिएशन देने के लिए मैंने ये फोटोशूट करवाया है और डेफिनेटली मैं अपने जो दोस्त हैं प्रशांत उसको बहुत मिस कर रहा था तो मेरे को लगा इस बहाने मिल भी लेंगे और फोटोशूट भी हो जाएगा. बिहाइंड द सीन्स जो भी हैं उनको इंट्रोड्यूस तो जरूर करना है डेफिनेटली, क्योंकि जो भी बिहाइंड द सीन्स है वो मेरे बहुत ही करीब लोग हैं और मैं हमेशा उन्हीं को उन्हीं पे ट्रस्ट करता हूँ काम करने के लिए, खासकर चाहे वो मेरे बालों के लिए हो, मेकअप के लिए राहुल है जिससे मैं अभी मिला हूँ एंड ही इज़ वेरी गुड, आई रियली लाइक दिस गाय राहुल. पहले मैं राहुल को, फिर ये मेकअप के लिए है हमारे दोस्त राहुल, उसके बाद सचिन है हमारे जो सचिन इज़ वेरी गुड हेयर स्टाइलिस्ट एंड सचिन के साथ मैं पिछले हम 8 साल से हम जानते हैं एक दूसरे को और 8 साल से मैं और किसी को अपने बालों पे हाथ भी लगाने देता कटिंग करने के लिए. ओके सचिन आपसे जानना चाहूँगी कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा इन पे सूट करता है जो आपको बेस्ट लगता है? अब ये लॉन्ग हेयर ही बहुत सूट करता है इन पे. और सचिन सचिन का कौन सा, सचिन को मौका दिया जाए कि सचिन आज तुम्हारे हिसाब से बाल बनेंगे तो कौन सा बनाओगे? मौका तो क्या अभी जो मतलब आपको जो चाहिए वैसा मैं करके दूँगा. सचिन एक्चुअली जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वो कर देता है. अभी सबसे ज़्यादा अभी जो मेन हमारे जो आज के जो कैप्टन हैं हमारे जो मिस्टर प्रशांत 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 संतानी 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 प्रशांत संतानी है, प्रशांत संतानी के साथ भी हम लोग तो नाम में बड़ा दम है भाई तेरे. ओह हो प्रशांत संतानी ऐसा लग रहा है कोई बिजनेस टाइकून आ रहा है अभी नहीं लगता ऐसा. प्रशांत संतानी तो संतानी साहब सो आजकल आप प्लेन से आए हो या फिर चॉपर से आए? मैं फिलहाल चॉपर से आया हूँ. तो प्रशांत के साथ तो मैं आई थिंक मुंबई आने के बाद जो पहला फोलियो करवाया था ना मैंने वो प्रशांत से करवाया. शूटिंग हम लोगों के साथ में हुआ साथ में बहुत अच्छा लगा. हम लोगों ने शुरू दोनों ने साथ में शुरू किया था. दिखते जा रहे मुझे इसमें मैं वो खुद खुश हूँ कि एक बहुत क्रिएटिविटी होती है इसके शूट में. आई थिंक जो इसका प्लस पॉइंट है बियर्ड उसकी हेयर लुक, आई थिंक ये बोल रहा था कि किसी को हाथ लगा देता हूँ बट मैं आई थिंक ज़्यादा मैसी मैं ही करता हूँ इसके बाल क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ डिफरेंट लुक चाहिए हमेशा. तो इसका एक लुक जो पूरा जा रहा है ओवरऑल फेस का बहुत ही अच्छा जा रहा है. आज के लुक्स में कौन सा सबसे अच्छा आपको लगा? मेरे हिसाब से हम लोग जितने बार प्लान करते हैं वो इनफैक्ट होता नहीं और हमेशा डिफरेंट ही होता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब भी अनप्लान चीज़ें वर्क करती हैं ज़्यादा सही जाती है. तो हम लोगों ने प्लान किया था कि ब्लेजर्स में बहुत अच्छे लुक करेंगे बट ब्लेजर्स अच्छे हुए उससे ज़्यादा कैजुअल्स बहुत अच्छे हुए. कुछ ना कुछ बॉडी शॉर्ट्स सेमी बॉडी शॉर्ट्स बहुत ही इन पे अच्छा गया और मैं भी पहली बार इन पे बॉडी शॉर्ट कर रहा हूँ पहले कभी किया ही नहीं. जिस तरह से अभी वो वर्कआउट्स इनके चालू है और उसका पूरा प्रोफाइल चेंज हो गया तो काफ़ी अच्छे शॉर्ट्स. इनफैक्ट मैंने बॉडी शॉर्ट मैंने कभी जिंदगी नहीं करा है. दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर मैंने अपनी शर्ट ऐसे उतारी है फोटो के लिए. और एक अच्छी बात पता क्या है हम लोग का, अब प्रशांत को मैं आई ट्रस्ट हिम सो मच यू वॉन्ट बिलीव, हम लोगों ने कोई तैयारी नहीं की. ऐसा ब्लैक ऐसा उठाया मैंने कल शाम को टाइम मिला मैं सीधा आई वेंट टू द शो शोरूम एंड वहाँ से 5-6 ऑप्शंस उठाए. हम लोगों ने भी कोई ऐसा प्लानिंग नहीं बिकॉज आई नो कि प्रशांत को ही नोज़ कि कैसे क्या लाइटिंग करनी है और कौन सा बैकग्राउंड में किसी भी बैकग्राउंड में खड़ा करके ये मेरे को अच्छा दिखाई देना. सो इतना ट्रस्ट है मेरे को प्रशांत पे भी सो मच. और बाकी हम और हमेशा ऐसा भी होता है कि आप प्लान करते हो ना मतलब फॉरगेट अबाउट द फोटोशूट, नॉर्मल लाइफ में भी हम जब भी हम प्लान करते हैं किसी भी चीज़ को और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है प्लानिंग होती है तब तो वो रिजल्ट्स कई बार ना हमें थोड़े से ऐसे ऐसे मतलब उतने नहीं मिलते जितनी एक्सपेक्टेशन होती है. जब प्लान नहीं करते ना तो रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं. सो ये फोटोशूट से छोटे से फोटोशूट से कितना कुछ सीखने के लिए मिलेगा आप सबको और हमें भी कि प्लान नहीं करना चाहिए कभी लाइफ में, गो विद द फ्लो.
ओके अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा हूँ आपको, तो कौन सा लुक आप इनको बोलेंगे और कौन सा आप ट्राई करेंगे? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो तो मुझे लगता है कि शेरवानी वगैरह, और वो मुझे वो मेरा कम मैं कभी पहनता भी नहीं हूँ, कभी इंडियन एक्सपेरिमेंट नहीं कभी किया जाता नहीं कभी। हाँ, और वो हाई फैशन, रियली हाई फैशन, उसके बाद बालों का सा खड़ा वड़ा करके, मतलब जो मैं हूँ नहीं बिल्कुल ऐसा, मतलब बहुत जल्द नेक्स्ट प्लान वही होगा। हाँ, पूरा एकदम स्पाइक करके बालों को, वो बिल्कुल एकदम, जिसको अगर मेरे कर दोगे तो फिर मेरी आँखें ऐसे हो जाएगी कि कौन बैठ गया मेरे, तो वो बिल्कुल मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। तो मे बी नेक्स्ट टाइम हम लोग जब करेंगे ना कुछ ना कुछ डिफरेंट, ऐसा कुछ करेंगे इस बार, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करेंगे। ओके, लास्टली फैशन क्या है अकॉर्डिंग टू यू, क्या है फैशन अकॉर्डिंग टू मी? मैं बचपन से यही फील करता हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी भी सीखा हूँ मैं इसके बारे में। मुझे लगता है कि पहले मैं किस्सा सुनाता हूँ अपना, कि जब मैं बचपन में है ना, शर्ट वर्ट कुछ भी प्रेस नहीं करता था, मेरी बहन वहन मेरी मम्मी सब बोलते थे कह रहे ये क्या है बिना प्रेस करके निकल गया है, तो बोलता था प्रेस करने की क्या जरूरत है, लोगों को मेरी शक्ल देखनी, मेरा एटीट्यूड देखना स्कूल टाइम पे। तो उस टाइम पे सब लोग मुझे बोलते थे कि प्रेस नहीं करता, ऐसे ही पहन के निकल लेता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। आज भी मैं ऐसे टी शर्ट उठा के पहन, जो मिल गई वो पहन लिया और निकल गया, बिकॉज आई फील कि कपड़े तो सिर्फ एक्सटर्नल है, इंटरनल ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्फिडेंस कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर 90s से लेके 2000 अभी तक की बात करेंगे हम लोग, 90s में अगर आप वो जो ऐसा अनप्रेस कपड़े पहनते थे वो अनकूल होता था, बट आज वही फैशन बन गया है, करेक्ट? सो इवेंचुअली जो आपका माइंड कहता है ना वो पहन, और वही ट्रेंड बन जाएगा, बिकॉज ये सब एक्सटर्नल है, इंटरनल ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैंस को मैं बहुत सारा, एक्चुअली मैं मेरे को मैसेजेस मिलते हैं बहुत सारे, और बहुत सारा प्यार मिलता है फैंस के थ्रू, और डेफिनेटली सच्चाई ये है कि अगर फैंस ना हो तो फिर वो शो एक महीने में बंद हो जाएगा या फिल्म फ्लॉप हो जाती है। सो थैंक्स टू ऑल माई फैंस, ऑल द पीपल देयर, E24 के व्यूअर्स हैं और बाकी जन भी, ठीक है, और बाकी सारे व्यूअर्स जो हमारे हैं जो भी मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव, रॉकी को इतना प्यार करने के लिए और ऐसे प्यार करते रहना, और आई मेक श्योर कि मैं हमेशा एंटरटेन करता रहूँगा आपको इसी तरीके से। और ये जो भी हम कर रहे हैं शो में, जब करते हैं कोई भी एक्टर कुछ भी करता है, वो सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए कर रहा है, मैं भी आपको एंटरटेन करने के लिए कर रहा हूँ, तो सिर्फ एंटरटेन होइए और ऐसे प्यार भेजते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।